हम सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट तो ना इस यहाँ पे आके देखो, मतलब ये 11-12 बजने तक कभी इंतजार लड़का नहीं कर सकता, इनको अभी करना है अपना। अभी हाँ हाँ, चलो रुक जाओ, इसको खोलो, इसको खोलो, खोलो खोलो, चलो एक्साइटिंग। अरे वाह, चेरी भी निकल गई, चेरी को भी डाल दो। यहाँ पे थी, कहाँ चली गई वो कैंडल? कैंडल, कैंडल, कैंडल थी वो, कहाँ चली गई? इसने निकाल ली, इसने निकाल ली, इसने मेरे को बताई भी नहीं। चलो इसको निकालो। जल्दी लगाओ, ये बच्चे ही बहुत बढ़िया रहेगी। हैप्पी बर्थडे टू, इधर देखो। हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और निशु जा रहा है स्कूल। तो निशु का आज बर्थडे है, तो सिंपल बात है ना, अच्छे अच्छे ड्रेस तो बनते ही हैं। तो निशु की जो भी स्कूल में चॉकलेट वगैरह बंटनी है, तो उसको मतलब अच्छे से पैक करके रख दिया गया और बता दिया गया कि कैसे और कैसे क्या देना है। पर वही है ना कि जो बॉयज़ होते हैं ना, बॉयज़ ही होते हैं वो, मतलब सुनते कम हैं और मतलब फालतू काम ज़्यादा करते हैं। तो निशु ने सुना सब कुछ है, अब कितना चीज़ों को फॉलो किया जाएगा ना ये नहीं पता। तो एक अलग से ट्रे भी रख ली है ताकि जो निशु सर्व करेगा जाके वहाँ पे, वो भी थोड़ा सा मतलब ठीक लगना चाहिए दिखने में। मतलब ये परी दीदी की एडवाइस थी कि तुम ट्रे भी लेके जाना। तो सारी चीज़ें रख दी गई हैं। तो अभी निशु जाके मतलब एक साइकिल का राउंड लगाएगा, क्योंकि ये होता है कि भाई आज बर्थडे है तो उनकी सारी विशेज पूरी कर दो, क्योंकि साइकिल का अब टाइम इतना मिल नहीं पाता स्कूल से आके। फिर वो ये मतलब जो भी होमवर्क वगैरह होता है, आधा घंटा टीवी देखना होता है, फिर उसके बाद फिर नींद आ जाती है बच्चों को, तो सो जाते हैं, फिर स्केट्स वगैरह जाना होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। आज है निशु का बर्थडे और ब्लॉगिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। अभी हम लोग केक काटने जा रहे हैं और निशु हो गया है तैयार और लग रहा है ना बिल्कुल परमीश वर्मा, क्योंकि निशु बहुत बड़ा फैन है परमीश वर्मा का। आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा, मतलब शायद हो सकता है काफी सारे लोगों ने सुना भी हो, सिंगर है ना परमीश वर्मा। तो निशु और परी बहुत बड़े फैन है परमीश वर्मा के, और जो भी गाने वगैरह होते हैं परमीश वर्मा का, खुला रखो निशु, अच्छा लगेगा। तो इन्होंने आज बोला, इनकी जीन्स टी शर्ट जो भी होती है वो तो था ही था, बट ये जो है ब्लैक कलर का कुर्ता और जो भी पजामा होता है, और तो और जूतियां मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे भी दिखाओ, ये देखो, ये देखो, ये मेरे राजा बाबू परमेश वर्मा के साथ एक फोटो। हाँ, परमेश वर्मा के साथ एक फोटो मिली परमेश। हाँ हाँ, कैसा लग रहा है मेरा निशु, पता नहीं जरूर। चलो बर्थडे सेलिब्रेट करने चलते हैं। तो अभी दीदी लोग आ गई हैं, देखना पड़ेगा। दीदी आ गई, दीदी आ गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं। हो रखी है सारी की सारी तैयारी, जिसमें आया है ये चाप पेटी है, और इस वाली में दूसरी वाली चाप है, और ये है माला मंचूरियन है, ये इधर दाल मखनी वगैरह है, ये सब अलग अलग ही हैं। और उसके बाद ये चटनी रखी हुई है, ये चटनी हम लोगों ने इधर सर्व करके रखी हुई है, और अलग अलग तरीके की मोमोज वगैरह की थी। और यहाँ पे है मोमोज, और ये है ये दही अलग से जमा, और यहाँ पे बनाया है मैंने ये भाजी, क्योंकि बन तो चुकी है, भाजी बन के तैयार हो गई है हमारी। और उसके अलावा यहाँ पे ये सब चीज़ें तैयार कर रखी हैं, और ये है और भी जो।
तो अभी सभी लोग आ चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने, और फटाफट से मैं तैयार होकर आती हूँ क्योंकि टाइम हो ही चुका है। और निशु भी बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है क्योंकि जो उसका केक आया था ना थोड़ा सा अलग सा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्लैक सूट पहना है, और मैं सच्ची बताऊँ इसको पहनने के मैं कितने चांसेस ढूंढ रही थी बट ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली मैंने सोचा आज ही पहन लेती हूँ। मुझे जब से आया ना तब से मैंने शायद ही 2-3 बार पहना, और ये पूरा 1 साल हो चुका है। तो कैसा लग रहा है सूट बताना जरूर, और मैं कैसी लग रही हूँ तो भी बताना। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग चलते हैं फिर केक काटने के लिए क्योंकि टाइम अभी बहुत हो चुका है। क्योंकि नीशु को ना मतलब लग रहा था कि कुछ कार या कुछ तरीके का, क्योंकि वो सिंपल बात है बॉय है तो उस तरीके की चाहत ही रखेगा। तो मतलब हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि नीशु की जो परमीश वर्मा को पसंद है सिंगर को जी वैगन कार, तो वो मिल जाए। हम लोगों ने लोकल मार्केट बहुत सर्च किया, नहीं मिल पाई, तो हम लोगों ने कर दिया था ऑनलाइन ऑर्डर। हमें पूरा यकीन था कि अब तो फाइनली आ ही जाएगी, पर ना वो डेट के अंडर में नहीं थी। निशु का जो बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे आने का था, तो हम लोग तब भी मतलब सोच रहे थे कि चलो कम से कम आ तो जाएगी, नेक्स्ट डे निशु इंतजार करेगा। तो निशु को ना बहुत ही अफसोस हुआ कि उसको कार नहीं मिली। तो जो वॉच मिली थी वो भी बहुत प्यारी सी थी। तो अभी ना निशु को ये इमेजिन मतलब निशु ने कर रखा था कि ये लोग कुछ कार वार जैसा कुछ गिफ्ट देंगे या कुछ ऐसा जो मतलब मशीनों से रिलेटेड हो वो। तो हम लोगों ने तो क्या पहले ही प्लान कर लिया था, पर ये होता है ना कि जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा समझाना मुश्किल होता है। पर निशु ने किसी तरीके से रिएक्ट नहीं किया, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि जब बच्चे रिएक्ट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं और मतलब गुस्सा हो जाते हैं ना कि हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तब ज़्यादा अफसोस होता है। तो चलो निशु समझ गया था और शायद यही उसका बड़प्पन भी था। तो यहाँ पे भी मतलब केक कटने के बाद मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले ना मैं मोमोज वगैरह दे रही हूँ क्योंकि मोमोज सभी को नहीं खाने हैं। पापा को नहीं खाना, दीदी का फास्ट था तो दीदी को भी नहीं खाना। तो यहाँ पे जो जो खा रहे हैं मैं पहले उनको दे दे रही हूँ, उसके बाद ना गोलगप्पे वगैरह जो है वो मैं बाद में रखूँगी। क्योंकि जो गोलगप्पे थे ना वो तो सभी को पसंद थे, पर मोमोज ना सबको पसंद नहीं थे। तो सिंपल बात है ना, कभी कभी ना छोटे बच्चों का भी ध्यान पहले रखना पड़ता है। तो हमें लगा कि चलो पहले बच्चों को दे दो, उसके बाद फिर हम लोग ये सारी चीज़ें सर्व करेंगे। तो मैंने जब ना ये गोलगप्पे सर्व किए तो परी के पापा जो गोलगप्पे मार्केट से लेकर आए थे उनमें ना एक्स्ट्रा पानी भी ले आए थे, पर मैंने एक पानी ना घर पे बना रखा था जो कि मतलब कम तीखा था, जो निशु बड़े ऐसा आराम से पी सकता था। तो फाइनली मैं सचता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबने वही पिया, मुझे ना तो पता है जो मार्केट से आया था वो ना किसी ने नहीं पिया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि चलो यानी कि इतना अच्छा बना है कि सब लोग पी ले रहे हैं। तो यहाँ पे केक कटने के बाद और खाने पीने के बाद थोड़ी सी मौज मस्ती हो रही है। तो अभी सिंपली खाना ही मतलब स्नैक्स वगैरह में जो होता है वही लिया था, खाना वाना बाद में। तो आप देख सकते हो कि जो खाना बचा था वो कितना सारा हो गया था कि मुझे कैसे एडजस्ट करना पड़ रहा था ना मैं ही बता सकती हूँ। पता नहीं छोटी कटोरी से लेके बहुत बड़े डोंगे तक सब फ्रिज में हो गया था, और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से ऐसी जगह निकाल लूँ जो कि इसको अच्छे से भर दूँ।
उस सबके जाने के बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ अपनी किचन में, जिसको मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया है क्योंकि सामान काफी सारा फैल गया था और जो पैकिंग वगैरह थी ना उन्हीं को हटाने में इतना टाइम लग गया था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब और मैं सच्ची तो मैं थक भी बहुत गई थी, पर जब ना चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, फेस्टिवल हो, उस टाइम पे एक अलग सी एनर्जी रहती है कि लगता है कि जितना हो जाए हम कर लें शायद कम पड़ जाएगा। तो मतलब एक खुशी भी अंदर से हो रही होती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं सारा सामान समेट रही हूँ, उधर मैंने परी को बोला कि वो जो ड्राइंग रूम में जो भी सामान है उसको साइड में करके और अच्छे से सोफ़ा कवर वगैरह सब सेट करके रख दें। और परी के पापा ना जो भी सामान नीचे रह गया था या जो इधर उधर भी रखा था वो निशू के साथ मतलब रखवा रहे थे। तब तक मैं इधर किचन में बर्तन वर्तन सब साफ कर रही थी और जो भी सामान था उसको एडजस्ट करके फ्रिज में रख रही थी। और मतलब ये था कि जितना जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा है, फिर हम भी आराम कर लेंगे जाके। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना जरूर, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।